अस्सलाम वालेकुम यार, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने जैज़कैश मर्चेंट अकाउंट को क्लोज़ करवा सकते हैं बहुत ही इजीएस्ट और फास्टेस्ट वेज के साथ। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका मर्चेंट अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा अगर आप इन स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखेगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो वेलकम। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो पे जो आपको कंटेंट मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत सी रीज़न हो सकती हैं कि आप अपना मर्चेंट अकाउंट क्लोज़ करवाना चाहते हैं, लेकिन मेरी जो कंडीशन थी, मैंने क्यों बंद करवाया, उसकी रीज़न मैं आपको शॉर्ट सी स्टोरी में ही बता देता हूँ। क्योंकि मैं यूज़ काम करता हूँ ऑनलाइन, तो वह मुझे पेमेंट जो मिलती है वो पायोनियर में मिलती है। तो पायोनियर और जैज़कैश का कनेक्ट जो है ना, वो ताल्लुक है कि आप वहाँ से पेमेंट ले सकते हैं अगर चाहे आपका एक डॉलर भी हो। लेकिन जो जैज़कैश का मर्चेंट अकाउंट है, इसका जो ऐप है वो भी डिफरेंट है। नॉर्मल कस्टमर अकाउंट का भी डिफरेंट है, बिजनेस अकाउंट का अभी उन्होंने बनाया है तो वो भी डिफरेंट है। तो मुझे इसीलिए इशू आ रहा था कि मैं पायोनियर से पेमेंट नहीं ले पा रहा था। तो फिर मैंने कॉल की, फिर लेकिन कॉल क्या की, वो कह रहे थे कि बस काम हो रहा है, इतने दिन लगेंगे, 24 घंटे 48 घंटे, लेकिन मेरा अकाउंट जो है ना वो क्लोज नहीं हो पा रहा था। मैंने तकरीबन 15 से 20 मरतबा इन लोगों को कॉल की, लेकिन इन लोगों ने मेरी नहीं सुनी। उसके बाद मैंने क्या किया वो आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन आपकी कोई भी रीज़न हो सकती है, चाहे आपकी पेमेंट को जो है ना वो काट लेते हैं, या कोई भी आपकी रीज़न हो सकती है, लेकिन रीज़न ही बताने वाला ये बताने वाला कि आप किस तरह से इसे क्लोज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, चाहे कराची, इस्लामाबाद, किसी भी लोकल एरिया में रहते हैं, तो आपके यहाँ जो है ना वो मोबाइल बैंक वालों की लोकल बैंक होगी, ज़रूर बैंक होगी, हर ब्रांच में होती है। तो आपके यहाँ जो है ना लोकल बैंक होगी, तो आपने उस बैंक में चले जाना है। तो उस बैंक का नाम मोबलिंक माइक्रो फिनेंस बैंक होगा। तो आपने वहाँ पे चले जाना है और उनको कहना है, सर मैं जो है ना वो मर्चेंट अकाउंट क्लोज़ करवाना चाहता हूँ। तो वो कहेंगे कि आप हेल्पलाइन से करें। आप कहें कि हेल्पलाइन पे मैंने 10 मरतबा, मैं अपनी स्टोरी कह रहा हूँ, मैंने इस तरह से कहा था, मैंने 10 मरतबा कॉल किए लेकिन वो लोग मेरा मर्चेंट अकाउंट क्लोज़ नहीं कर रहे, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस जो मेरा मर्चेंट अकाउंट है उसे क्लोज़ करवा दें। वो आपकी एक लिस्ट बनाएंगे और वो डाल देंगे, वो कहेंगे कि 5 दिन के बाद आपका मर्चेंट अकाउंट बंद हो जाएगा। लेकिन मेरी कंडीशन में मेरा 5 दिन में नहीं, कम से कम मेरे लगे थे 20 दिन। जी हाँ दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका एक दिन में क्लोज़ हो जाएगा, हो सकता है आपका 6 घंटे के अंदर, 12 घंटे के, 24 घंटे के अंदर भी क्लोज़ हो सकता है। लेकिन जब मेरा मर्चेंट अकाउंट जो है ना वो क्लोज़ हुआ था, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे साइड पे वो मैसेज भी दिखा देता हूँ। उन्होंने मैसेज किया था कि डियर कस्टमर, आपका मर्चेंट अकाउंट जो है ना वो क्लोज़ हो चुका है। तो इसके लिए मुझे 21 दिन लगे थे, हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया, लग सकते हैं। इन स्टेप को फॉलो करें। आप कंपनी वाले को चाहे जितनी मरतबा जो फ़ोन करें, वो आपसे क्या कहते हैं कि आप अपना नाम बताएं, अपना आईडी कार्ड नंबर बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं। उसके बाद कहते हैं कि हम आपकी कॉल आगे ट्रांसफ़र करें, 24 घंटे 12 घंटे लगेंगे तो आपका हल हो जाएगा। लेकिन नहीं होता, आपको मोबलिंक की माइक्रो फिनेंस, ऑलमोस्ट माइक्रो फिनेंस मोबलिंक बैंक ही नाम है इसका, तो आप वहाँ पर जाएँ और वहाँ पे ये शिकायत दर्ज करें, आपका मर्चेंट अकाउंट जो है ना वो क्लोज़ हो जाएगा। ये था इजीएस्ट और फास्टेस्ट वेज अपने जैज़कैश अकाउंट मर्चेंट अकाउंट को क्लोज़ करवाने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।